जो जितनी भी बालिकाएं हैं हमारे लिए, उनके लिए एक नंदा गौड़ा योजना है, जिसमें जन्म लेने पर बालिका को अगर वो 6 महीने के अंदर आवेदन करते हैं तो उनको 11,000 रुपये की धनराशि दी जाती है, और कोई बालिका अगर इंटर उत्तीर्ण करती है तो उसको 51,000 की धनराशि दी जाती है। ना खाहे पोषाहार, जो ना खाहे पोषाहार, वो तो होगा मेरा शिकार। हाय दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप लोग, आई होप ठीक होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। दोस्तों, आज आए हुए हैं गांव मिटौआ बाजपुर में, और यहां पर गोद भराई का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने मिलकर, और यहां पर बाल विकास परियोजना के अधिकारी मैडम जी आपको बताएंगे 11,000 रुपये और 51,000 रुपये आपको कैसे मिलेंगे। वीडियो के अंत में आपको सारी परियोजना जो भी चल रही सरकार की तरफ से आपको जानने को मिलेगी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर राजेश भैया जी आ चुके हैं और फीता काटकर इस कार्यक्रम का शुभारंभ कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर फीता कट चुका है और आगे का जो कार्यक्रम है उसमें आपको बहुत अच्छी अच्छी जानकारी मिलने वाली है, और लास्ट में आपको जो भी योजना चल रही है जिससे कि आपको लाभ मिले वो मैडम जी आपको वीडियो के अंत में बताएंगी। तो वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो दोस्तों, यहाँ पर फीता कट चुका है। ये जो महिलाएं हैं, आज इनकी बहुत ही भव्य तरीका से मान सम्मान के साथ, इज्जत के साथ गोद भराई होनी है। दोस्तों कहते हैं, नारी शक्ति सर्वशक्ति होती है। नारी शक्ति जो होती है संसार को चलाती है, क्योंकि नारी है तो सब कुछ है, नारी जननी है, क्योंकि घर बार सब कुछ नारी ही चलाती हैं। तो देखिए, आज उन नारियों का सम्मान हो रहा है, गोद भराई हो रही है, और कुछ महिलाओं को यहाँ पर किट भी बांटी जाएंगी, और आगे बहुत ही सुंदर सुंदर कार्यक्रम है। यहाँ पर नाच गाने, नुक्कड़ नाटक आदि सब प्रस्तुत की जाएंगी। तो बने रहें पूरी वीडियो पर, ये वीडियो बहुत ही आपके लिए यूजफुल नॉलेजबल होने वाली है, क्योंकि वीडियो के अंत में आपको मैडम जी बताएंगी क्या क्या योजना चल रही हैं और उन योजनाओं का आप कैसे लाभ ले सकते हो। तो जब तक आप एंजॉय कीजिए इस कार्यक्रम का। नमस्कार सभी को। आदरणीय भाजपा पूर्व दर्जा मंत्री श्री राजेश कुमार जी, भाजपा मंडल अध्यक्ष श्री बिट्टू चौहान जी, वीरेंद्र बिष्ट जी व बाल विकास परियोजना अधिकारी रेणु यादव जी, आज ग्राम इटौआ में जो हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा ये जो कार्यक्रम है, सर्वप्रथम बहुत अच्छा कार्यक्रम का आयोजन आपने किया। ग्राम इटौआ आंगनवाड़ी केंद्र पर हो रहा है, यह जो हमारे मोदी जी की और धामी जी की अनेकों योजनाएं धरातल पर चल रही हैं, जैसे कि आज एक यह जो कार्यक्रम मुख्य रूप से रखा गया है, यह आज गोद भराई योजना हमारी चलती है, जो कि गर्भवती जो हमारी महिलाएं हैं, मातृशक्ति है, उनके लिए यह योजना मुख्य रूप से चलाई जा रही है, जिसमें हमारा जो 7 माह तक की जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए जो शिशु हमारा आने वाला है उसका पोषक तत्व अच्छे से मिले, अच्छे से वो इस दुनिया में जन्म ले, इसी को लेकर अनेकों जैसे योजनाएं हैं, किट है हमारी महालक्ष्मी किट, मोदी जी की अनेकों योजनाएं हमारे केंद्रों पर चलाई जा रही हैं। तो मैं बस इतना ही कहता हूं कि सभी मातृशक्ति एक बार हमारी जो आंगनवाड़ी कार्य करती है उनसे मिलकर जो भी योजनाएं चलती हैं उनका ज्यादा से ज्यादा लाभ लें। छोटे से गाँव में इतना भव्य प्रोग्राम, इतना शोभनीय प्रोग्राम, आप सबको वंदनीय है।
कि ये जो गोद भराई का प्रोग्राम है इसकी चिंता कौन करता था आज से पहले। हम लोग जो बैठे हैं हम तो एक गेहूं की तरह हैं, पुरुष जो होता है गेहूं की तरह होता है, छींटा मारा और जमाया। मगर तुम वो बहने हो जो एक क्यारी में तुम्हारा अपना बाबुल धान छिटकता है, फिर उठा के उसे दूसरी क्यारी में लगाया जाता है। उस कुल को बढ़ाने वाली, उस 21 कुल का उद्धार करने वाली, इसकी चिंता या तो ससुराल वाले करते थे जब गर्भ में बेटी के कोई ना कोई खुशी होने वाली होती थी, या चिंता उसके जो बाबुल उसका विदाई करता था वो करता था। और आज इसकी चिंता कौन कर रहा है? हमारी सरकार है, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व राज्य मंत्री इस क्षेत्र से भाजपा के विधायक प्रत्याशी रहे और इस बाजपुर मंडल के मंडल अध्यक्ष बिट्टू चौहान जी, सीडीएफओ मैम रेणु यादव जी, हमारे महेशपुरा के 3 बार ग्राम प्रधान रहे, भाजपा के मंडल अध्यक्ष रहे राकेश गुप्ता जी, हमारे बाजपुर मंडल के महामंत्री नरेंद्र चौधरी जी, मंडल के उपाध्यक्ष अमित चौहान जी, मंडल के मंत्री कन्नू जोशी जी, कुणाल रितेश शर्मा जी, हमारे गुरुवर लोग बैठे हैं बगल में, और सभी जितनी यहाँ माताएं बहने आई हैं। बड़ा अच्छा प्रोग्राम करा। ऐसा सहयोग की बात नहीं है जहाँ तक हमसे हो पाता है, पानी बिजली ये सब हमारे स्कूल से बना ही प्रांगण में है इस आंगनबाड़ी केंद्र, तो हमने जहाँ तक भी सहयोग किया इसे बनवाने में भी किया है, तो हमारी तरफ से कोई ऐसी बात नहीं है। तो ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है कि गर्भवती महिलाओं को जो भी यहाँ से सरकार के द्वारा दिया जा रहा है वो सब मिल रहा है और सारे लोग मिल के कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। इसमें सभी का सहयोग है और जो जो सुविधाएं सरकार द्वारा मिल रही हैं वो सभी आंगनबाड़ी, हमारी आंगनबाड़ी बलजीत में हमें ये भी बड़ी एक्टिव है, सभी को एकत्र करती है, सारे प्रोग्राम सारे इंतजाम यही कराती हैं, तो इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और इस तरह के प्रोग्रामों से हमें शिक्षा भी मिलती है कि भाई हमारी सरकार की जानकारी भी होती है कि सरकार हमें क्या देना चाह रही है, क्या मिलना चाहिए और क्या हमें मिल रहा है। तो मैं ज़्यादा ना कहते हुए सभी का, भाई राजेश जी आए वो अनुशासित होके नहीं आते, उनके पहनावों को अगर हम समय पर नहीं सिखा पाएंगे, मैं इनसे क्या मांगू, मैं तो आपसे ही मांगूंगा। क्यों? क्योंकि आप जैसी बहने अगर जागरूक होंगी तो समाज की तस्वीर बदलेगी। तो मैं चाहता हूं बहनों, जब हम स्कूल में जाते थे तो हमारे मास्टर जी भी हमारे नाखून देखते थे, हमारे दांत देखते थे, हमारे बाल देखते थे, और कहीं ना कहीं आज एक माँ के बाद अगर प्रथम पाठशाला हो तो आप हो। वैसे तो समाज में प्रथम पाठशाला माँ को कहा जाता है, मगर उस विद्यालय की दूरी से पहले जो हमारी आंगनबाड़ी जो कार्यकर्ता है वो अम्मा हो जाती है। तो आपको जरूर ध्यान देना चाहिए बहनों, नोट करना चाहिए कि कौन सा बच्चा क्या गतिविधि में है, क्योंकि आज अगर इनकी जड़ें बहुत कमजोर हो जाएंगी तो ये आने वाले कल में ये स्कूल में जाके वही करेंगे। तो मैं चाहता हूँ बहनों कि अपनी आंगनबाड़ी में इनकी वेशभूषा पे, इनके अनुशासन पे बड़ा ध्यान देने की जरूरत है। जो बच्चा नहीं आ रहा उसको नोट करो, उसके घर जाओ, क्या पता आपकी पहल से किसी बच्चे का जीवन बदल जाए। मैं हूँ कुपोषण, मैं हूँ कुपोषण, हम है आईसीडीएस विभाग, पोषाहार बटाते हैं, पोषाहार बटवाते हैं, कुपोषण दूर भगाते हैं, पोषण दूर भगाते हैं, जो ना खा है पोषाहार, जो ना खा है पोषाहार, वो तो होगा मेरा शिकार, वो तो होगा मेरा शिकार, मैं तो हर घर में घुस जाऊंगा और हा और हाहाकार मचाऊंगा। अरे मैं हूँ कुपोषण, मैं हूँ कुपोषण, हम तीन विभाग, हम तीन विभाग,
चलेना एक भी चाल, तेरी चलेना एक भी चाल। जो थोड़ा बच्चों का वजन न करा है, जो तो बच्चों का वजन न करा, मैं तो ठीक नपन करवा दूंगा, मैं तो अपना आप दिखा दूंगा। मैं हूँ कुपोषण, हम हैं स्वास्थ्य विभाग, टीकाकरण करवाते हैं, टीकाकरण करवाते हैं, कुपोषण दूर भगाते हैं, कुपोषण दूर भगाते हैं। जो गर्भा की जांच न कराए, जो गर्भा की जांच न कराए, मैं तो हर गर्भा में घुस जाऊंगा, एनीमिया फैलाऊंगा। मैं हूँ कुपोषण, मैं तो हाहाकार मचा दूंगा। मैं हूँ कुपोषण, हम हैं तीन मिलकर विभाग, तेरी चले ना एक भी चाल, तेरी चले ना एक भी चाल। मैं तो अपना आप दिखा दूंगा, मैं तो हाहाकार मचा दूंगा। अरे मैं हूँ कुपोषण, पंचायती राज, घर घर शौचालय बनवाएंगे, दीप जलाएंगे, जो न करे शौचालय का प्रयोग, जो न करे शौचालय का प्रयोग, मैं तो हर गली में घुस जाऊंगा और बीमारी फैलाऊंगा। मैं हूँ कुपोषण, मैं तो हाहाकार मचा दूंगा। मैं हूँ कुपोषण, हम हैं तीन विभाग, तेरी चले ना एक भी चाल, तेरी चले ना एक भी चाल। तू भागता नजर जो आएगा। देखिए दोस्तों, अभी एक किट बांटी जा रही है। आज के जो मुख्य अतिथि है पूर्व राज्य दर्जा मंत्री राजेश कुमार जी, इन सभी महिलाओं को किट बांटकर अब महिलाओं की अपने हाथों से, अपने शुभ हाथों से, सच्ची श्रद्धा से महिलाओं को प्यार मान सम्मान के साथ गोद भराई करते हुए देखिए, इस तरह से जो भी सामान मटेरियल सरकार की तरफ से मिला है उसे वितरित करते हुए, गोद भराई करते हुए, तो दोस्तों इस तरह से ये गोद भराई हुई है। अब आइए मैडम जी आपको बताएंगी सारी योजनाओं के बारे में। तो मैम जी, सबसे पहले तो आप अपना परिचय दीजिए। हाँ, मेरा नाम रेणु यादव है और मैं यहाँ बाजपुर में बाल विकास परियोजना अधिकारी के पद पर कार्यरत हूँ। तो ये जो योजना है गोद भराई की, क्या है, जरा हमारे दर्शकों को बताएं विस्तार से। हाँ, जैसे कि आप देख रहे हैं कि आज जो है हमारी जोगीपुरा सेक्टर की सभी 28 आंगनवाड़ी वर्कर्स ने मिलकर एक सामुदायिक आधारित कार्यक्रम का आयोजन करा है, जिसमें सभी क्षेत्रों की गर्भवती महिलाओं को यहाँ पर गोद भराई की, ताकि उसमें जो पोषण सामग्री दी जा रही है उसके आधार पर वो लोग भी जो है भविष्य में उसी प्रकार की पोषण सामग्री का उपभोग करें और अपने को और अपने बच्चे को, होने वाले बच्चे को स्वस्थ रखें। तो मतलब इस योजना मतलब लाभ कैसे ले सकती है ना महिलाएं? हाँ,
ये है, ये कार्यक्रम है, सिंबॉलिक कार्यक्रम है जिसमें जो महिलाओं को बताया जाता है कि इस प्रकार के फल और इस प्रकार के अनाज खाकर वो अपने आप को पोषण स्तर को सुधार सकते हैं। तो ये हर केंद्र में हर महीने जो है, जहाँ भी जो नई गर्भवती महिलाएं पंजीकृत होती हैं उनको गोद भराई के अंतर्गत उनका गोद भराई की जाती है। जैसे इसमें मतलब कन्याओं के लिए जैसे कोई योजना चल रही है, आप बीच में बोल रही थी, मैं सुन रहा था। हाँ, छोटे शिशु के लिए जो योजना, जो जितनी भी बालिकाएं हैं हमारे लिए, उनके लिए एक नंदा गौरा योजना है जिसमें जन्म लेने पर बालिका को अगर वो 6 महीने के अंदर आवेदन करती है तो उनको 11,000 रुपये की धनराशि दी जाती है, और कोई बालिका अगर इंटर उत्तीर्ण करती है तो उसको 51,000 की धनराशि दी जाती है। तो इस योजना का नाम नंदा गौरा योजना है। इसके साथ ही एक योजना है प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना, जिसमें कि प्रथम बार गर्भवती महिला अगर आवेदन करती है तो उसको 5,000 की धनराशि दी जाती है, और अगर किसी महिला का दूसरा प्रसव बालिका है तो उसको 6,000 रुपये की धनराशि दी जाती है। इसके साथ ही एक मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना है जिसके अंतर्गत जो एक महालक्ष्मी किट प्रदान किया जाता है जिसमें जच्चा और बच्चा दोनों के लिए उपयोगी सामग्री है, जैसे कि खाने के लिए ड्राई फ्रूट्स है और पहनने के लिए सूती कपड़े, ऊनी कपड़े, चादर, बेडशीट, और उसके साथ ही स्वच्छता के लिए हाथ धोने का साबुन और सैनिटाइजर और वॉश, सोप वॉश वगैरह उसमें रखे गए हैं। ठीक है।